बिग बॉस ओटीटी 2 में कई कंटेस्टेंट्स का नाम पहली बार सुनने को मिला है। इनमें बेबिका ध्रुव से लेकर जद हदीद तक का नाम शामिल है। इन्हीं में से एक कंटेस्टेंट है मनीषा रानी, जो कि बिग बॉस के घर में अपनी बातों से सभी का दिल जीत रही है। मनीषा के कई कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। उनके बोलने के अंदाज की वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। यही धमाल वह बिग बॉस के घर में भी मचा रही है, जिसकी वजह से उन्हें लोगों का प्यार मिल रहा है। मनीषा रानी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिग बॉस के घर में जाने से पहले एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में हमेशा की तरह मनीषा ने अपने चुलबुले अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पसंद के बिग बॉस के घर में कौन कौन होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर भी कुछ बात की। मनीषा ने अपनी पसंद के अनुसार बताया कि उनके हिसाब से बिग बॉस के घर में किसे किसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि काश उनके वाले बिग बॉस में लड़के ज्यादा हो और लड़कियां सिर्फ 2-3। मनीषा रानी मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि वह शुरू से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन बिहार में ऐसा माहौल नहीं है कि लोग सोचे कि दूसरों को टीवी पर देखने से बेहतर खुद टीवी पर आओ। डांसिंग और एक्टिंग का उन्हें बचपन से शौक था। उन्होंने डांस इंडिया डांस में ऑडिशन भी दिया था, लेकिन वहां से रिजेक्ट हो गई। लंबे स्ट्रगल के बाद उन्होंने भी ज्यादा कोशिश करना छोड़ दिया। इसके बाद आया रील्स का जमाना और मनीषा ने भी शुरू कर दिए अपने वीडियो बनाना। मनीषा ने बताया कि वह कई वीडियो बनाती थी और घंटों उसकी एडिटिंग भी करती थी, लेकिन वह वायरल नहीं होते थे। फिर एक दिन उन्होंने ऐसे ही अपनी आवाज में एक रैंडम वीडियो बनाया। यह वीडियो था जिसको देखो उसका बॉयफ्रेंड है। एक हमें ही बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, मिलता भी है तो बूढ़ा बूढ़ा। यह पहला वीडियो था मनीषा का जो वायरल हुआ। इसके बाद से ही उनकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर बढ़ने लगी। इसी इंटरव्यू में मनीषा ने यह भी बताया कि जब वह 5वीं में थी तो उनके माता पिता अलग हो गए थे। सपनों को पूरा करने में उनके पिता ने हमेशा उनका सपोर्ट किया। आज मनीषा को एक वीडियो के लाखों रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि आज वह अपने परिवार की इकलौती लड़की है जो सबकी जरूरतों को पूरा करती है।